मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय सेल्फ अनीता और आप लोगों को क्लास वन की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? वर्ण बोध। क्या है? वर्ण बोध। इससे कुछ लग रहा है जाना बजाना कि हम लोग पहले शायद पढ़ चुके हैं। अरे पढ़े ही हैं, यूकेजी में था। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। वर्ण बोध क्या लिखा हुआ है? वर्ण बोध। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है? हिंदी वर्ण। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के। याद हुआ, हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? दो। एक क्या है? स्वर वर्ण। क्या है ये? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। और इधर व्यंजन में ही संयुक्त व्यंजन आता है। व्यंजन में संयुक्त व्यंजन आता है। ठीक है, तो हम लोग का स्वर वर्ण में क्या क्या होता है अब वो पढ़ो। हम लोग तो यू के भी पढ़े थे, लेकिन उससे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए वर्ण में दिया गया है, तो इसलिए हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं। तो स्वर वर्ण में देखिए क्या क्या आता है। अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो इसको रिपीट करना है मेरे पीछे, फिर से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसको हमें रिपीट करना है। बोलिए, अ, आ, हर्षही, दीर्घई, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, ऐ, ओ, औ। रिपीट किया? हाँ, तो याद हो गया होगा। ये हमारे किस में आते हैं? स्वर वर्ण। काउंट किया कितने हैं? नहीं किया ना, चलिए हम लोग काउंट करते हैं। कोई पूछ देगा कि नहीं सो तुमने स्वर वर्ण पढ़ा, कितने हैं स्वर वर्ण उसमें, तो हम लोग काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। कितने हैं? ग्यारह। हम लोग के कितने स्वर वर्ण है इस स्वर वर्ण में? ग्यारह वर्ण। तो भूलोगे तो नहीं ना, अब तो याद रहेगा ही। कितने वर्ण है स्वर वर्ण में? ग्यारह। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में देखा देखा तो लग रहा होगा ये सब। ठीक है, इसलिए हम लोग को ये फिर से पढ़ना है। आप लोग का रिवीजन हो रहा है, याद है कि नहीं है वो देखना है। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है व्यंजन वर्ण? क, ख, ग, घ, अंग। मेरे पीछे रिपीट करना है। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ठ, मूर्धन्य। क्या है मूर्धन्य? बहुत कोई नौ पढ़ देते हो, नौ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मूर्धन्य। नौ नहीं पढ़ना है, सब नौ का नाम होता है, सब का भी नाम होता है, ये मूर्धन्य है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? त, थ, द, ध, दंत। क्या है ये? दंत न। क्या है? दंत न। फिर प, ह, ब, भ, म। क्या है? फिर से पढ़ेंगे इसको, प, ख, ब, भ, म, य, र, ल, वो, तालव्य, स। क्या है ये? तालव्य, स। क्या है? तालव्य, स। मूर्धन्य स। क्या है?
धन स ठीक, और ये क्या है तो हम लोग ये व्यंजन वर्ण हो गए, ठीक है याद हो गया होगा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है छुट्टी में सबको याद करना है, हम लोग का वीडियो बार बार देखना है और सीखना है, जैसे हम आगे पूछेंगे तो आप लोग को जवाब देना होगा। ठीक है और लास्ट में हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन, क्या है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन चार है।